तो ये है भाई लेक व्यू पोखरा का और ये लेक स्ट्रीट है। बोल साहब कर रहे हैं टिकट कन्फर्मेशन, एंजॉय ले कर रहे हैं। गजब गजब क्या बात है, ठंडी हवा चल रही है मस्त और यहाँ से व्यू देखिए आप, व्यू देखिए बाहर का। वाओ यहाँ से लेक पूरा कम्प्लीटली लेक दिख रहा है अभी, यहाँ से बाहर से देखो क्या बात है, क्या गजब। वाटरफॉल है छोटा सा एक और ये देखिए सर, यहाँ मिल गया तो मजे आ जाएंगे। बंसल साहब भाग क्यों रहे हो? हमारा कट गया पपलू, इतने ऊपर गए हम ट्रैकिंग करके, यहाँ से हमारी ट्रैकिंग होगी शुरू आज, और ऊपर जाके देखा तो वो तो भैंस का तबेला था भाई, होम स्टे नहीं मिला। और देखो यहाँ से लोकेशन का नजारा देख लो आप, देखो इन्होंने काफी अच्छा बैठने का बनाया, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम नेपाल एक्सप्लोर करने आए थे। तो ये है भाई लेक व्यू पोखरा का और ये लेक स्ट्रीट है, है ना मस्त है ना सर। आप यहाँ आके इवनिंग में मस्त एंजॉय कर सकते हो, लेक साइड व्यू है आप, बढ़िया हल्का फुल्का म्यूजिक, शाम जैसे जैसे ढलेगी और अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा यहाँ। तो वही हमने सारी एडवेंचरस एक्टिविटी बुक कर दी है कल के लिए, आज हम सिर्फ केबल कार कवर करने के लिए जा रहे हैं अंदर। बंसल साहब और उन्होंने पूरा बुक कर दिया प्लान, और अभी केबल कार के लिए हम बस का वेट कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी बुक की है टिकट्स, तो हमें सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए। तो भाई गोयल साहब कर रहे हैं टिकट कन्फर्मेशन, एंजॉय ले कर रहे हैं उसके लिए क्या प्रोविजन होगा? लिफ्ट होगी सर, यार रैंप से जाना पड़ रहा है ऊपर, लाइक लेट्स गो, देखते हैं कैसा रहेगा, हवा लगेगी क्या ऊपर जाके ठंडी वाली। तो फाइनली वी रीच्ड ऑन द एंट्रेंस सर, तो ये भाई केबल कार का डिपार्चर एरिया, न्यूली टेक्नोलॉजी लग रही है। तो भाई हम फाइनली बैठ गए केबल कार में, क्या बात है, टेक्नोलॉजी तो एडवांस लग रही है, काफी बड़ा वो मैकेनिकल इक्विपमेंट लगा रखे इन्होंने। तो आ रही है एक और केबल कार उधर से आ रही है भाई अराइवल पे, हम डिपार्चर पे खड़े हैं। तो गाइस वी आर ऑन केबल कार, केबल कार ऑन, अरे एट एक ही बात है सर, हम इंग्लिश ग्रामर थोड़ी ठीक करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। आपने इंग्लिश जान दी, हमने क्या किया, क्या बात है भाई, क्या व्यू आ रहा है मस्त है, ये देखिए गाइस सर, झरने झूलने सब कुछ चल रहा है, मैं ग्रीन वाओ, ये जो हल्का हल्का साहब शुरू हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, और वाह बड़े ऊपर तक जाएगी वैसे, है हाइट देखो भाई गजब, थोड़ा और ऊपर है, गजब गजब क्या बात है, वो ऐसे खींच देते वहां तो सिस्टम अच्छा है। यहाँ से देखो भाई नीचे का सिस्टम बढ़िया, अब यहाँ से व्यू अच्छा लग रहा है नीचे का, मतलब पता नहीं चल रहा, बाहर का व्यू भी अच्छा लग रहा है ना, देख लो भाई खतरनाक इंटरेस्टिंग एडवेंचरस है नीचे का व्यू, दिल को थमा देने वाला है, क्या बात, दिल को थाम के रख दी और नीचे क्या बात है, क्या बात, वाह देखो भाई बाहर से देखो क्या बात है, क्या गजब ये देखो भाई क्या गजब व्यू है, वाओ। अक्सर कहते हैं लोग जो कैमरे के पीछे खड़े होते हैं अच्छे व्यू से रह जाते हैं, यहाँ से देखो लेक व्यू भी देखो, वाओ मजा आ रहा है, गजब गजब का ये है। क्या बात है काफी हाइट पे है ना इसकी, एक्चुअल हाइट क्या है कुछ आइडिया है जनरल नॉलेज के लिए? व्यू मस्त आ रहा है यहाँ से, है ना, जंगल ही जंगल दिख रहा है, गजब व्यू आ रहा है भाई, पूरा शहर दिख रहा है, पोखरा आके अगर आपने केबल कार नहीं की तो कुछ नहीं किया। कितना है यहाँ का फेयर है सर, थोड़ा सा ब्रीफ करोगे? 800 नेपाली, 800 नेपाली है भाई, 550 रुपए इंडियन रुपीज, 550 रुपए इंडियन रुपीज के यहाँ अप डाउन का। अच्छी सब ऊपर कैसा एक्सपीरियंस रहा है? वो बड़ा वंडरफुल, वो भी केबल कार मस्त है ना, पीछे व्यू भी गजब आ रहा है आपके, और आगे भी पीछे भी सर, और इसका अभी सेकंड पड़ाव आएगा ना ऊपर, हम फर्स्ट पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं भाई, यहाँ से ये हमारा फर्स्ट पड़ाव आ गया, ये मैन हाउ यू, क्या बात है हाइट देखो भाई, दोबारा फिर आगे शुरू से आगे से फिर, क्या बात है, ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस भी अच्छा कवर कर रहे हैं, चंडीगढ़ पहुंचा दिया, अभी भी काफी अच्छा डिस्टेंस है, टेंशन लेने वाला बंदों की किस्मत अच्छी होती है, सोचा नहीं था यहाँ आ जाएंगे, मस्ती से घूम रहे थे पहुंच गए हैं, है ना, मैच छोड़ के आया भाई देखो, और जो तोड़ने का फायदा हो गया है, पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज्यादा लोग काफी घूम के आ रहे हैं ऊपर से, बाइक भी लेके आए और काफी डिस्टेंस भी अच्छा कवर कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वाले बंदे बाइक भी लेके आते अपने लोकल बंदे, देखो भाई वाओ क्या ही नजारे हैं, एक्सप्लेन शुरू किया इन्होंने नेपाल में, एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चीज ना, कब से शुरू किया भाई? 2 साल हुआ,
क्या बात है व्यू देखिए बाहर का, वाओ यहाँ से लेक पूरा कम्प्लीटली लेक दिख रहा है अभी यहाँ से। बारिश होने का टाइम हो गया ना इसलिए इधर तो बारिश होने का तो हाँ ये केबल देखो यार क्या बात है, कितना व्हील के थ्रू जा रही है, कितनी मोटी केबल का, जूम करके दिखाओ। अब हम मीरा राउंड टॉप आ गए भाई, हम यहाँ कितना देर घूम सकते हैं। रोड देखो भाई क्या बात है, गजब रोड है। और वो आ गया जैसे अपने व्यू देखिए, हाँ वहाँ पे टावर अमरावती में आता है, टावर टावर व्यू नहीं नहीं अमरावती में नहीं आता, रिवर्स वो होटल कौन सा है, रिवॉल्विंग होटल, रिवॉल्विंग होटल, ठीक ऐसे ही होटल लग रहा है ऊपर। हाँ बिल्कुल सही वैसे लग रहा है। तो हम पहुंचने वाले हैं भाई हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे, केबल कार यहाँ पे हमारा गंतव्य स्थान। तो यहाँ अभी हम यहाँ लैंड करेंगे, उसके बाद यहाँ से टॉप ऑफ द हिल, ये जो स्टीयरिंग ऊपर दिख रहा है ये अच्छा लगा, ये उल्टा स्टीयरिंग घूम रहा है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना। गोल साहब कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहुंच गया केबल कार के थ्रू बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल, और यहाँ पे देखिए हम जंपिंग का कुछ एक्टिविटीज हैं जो काफी एडवेंचरस लग रही है। मौसम भी बड़ा मस्त है यहाँ, गजब सा मौसम हो रहा है और ठंडी हवा चल रही है, आप देख सकते हो नजारा आसपास का। ये भाई क्या एक्सपीरियंस है, वाओ ठंडी हवा चल रही है मस्त, और यहाँ से व्यू देखिए आप, साइकिलिंग ऊपर, स्विंग उधर, जिपलाइन उधर। ओके जिपलाइन भी है, जिपलाइन छोटा छोटा वाला जिपलाइन है, इधर से लेके वहाँ उधर तक जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ से आप व्यू देखो मस्त वाला नजारे देखो भाई, यहाँ नेपाल के नजारे यहीं से असली। ये देखिए भाई वो केबल कार के थ्रू वो बॉटम से आए हैं नीचे से। गोयल साहब वैसे ये है ना अच्छा पॉइंट, हवा चल रही है मस्त, हवा चल रही है, ऑक्सीजन थोड़ा कम है, ठंडी ठंडी। और हमारे बंसल साहब गए हैं ऊपर रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट एरिया में खाने पीने के लिए, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है, हवा तो मस्त लग रही है। केबल कार पे आने के बाद ही यहाँ पे आपको बढ़िया व्यू मिलेगा, व्यू पॉइंट से आप काफ़ी अच्छी पिक्स ले सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं, एक अच्छा रेस्टोरेंट एंड पूर्णा का होटल्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे सारे अच्छे अच्छे। और पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको मैं, खतरनाक व्यू है, काफ़ी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाती है आपको यहाँ पे, आप देख सकते हो पीछे काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, सनसेट यहाँ से देख सकते हो, आज सनसेट नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्लाउडी है आज, बट हवा बहुत मस्त चल रही है भाई, ठंडी चल रही है यहाँ की, पता लग रहा है कि हम कहीं हिल एरिया में घूम रहे हैं। अभी तक तो गर्मी आ रही थी, एसी चला के बैठे थे, यहाँ पता लग रहा है मस्त मस्त एकदम भाई मस्त। वही अन्नपूर्णा केबल कार का एग्जिट है जब आप टॉप पे आ जाते हो, और यहाँ से आप 360 डिग्री टावर का व्यू ले सकते हो, और उसके बाद एक यहाँ पे व्यू पॉइंट है जो आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ से आप वॉक इन करके जा सकते हो, 10 मिनट का वॉक इन है, और यहाँ पे अच्छे कैफे होटल्स वगैरह आप काफी मिलते हैं जो कि टॉप ऑफ द हिल आ गए, और काफी अच्छा प्लीजेंट सा एनवायरमेंट है यहाँ पे, केबल कार होटल्स वगैरह सब फैसिलिटीज है। तो वही हम हो गए लेट क्योंकि ये भाई साहब लास्ट केबल वहाँ पे मैच के चक्कर में रुक गए थे, तो अगर हम थोड़ा पहले आते तो शायद ये देख पाते, तो अभी ट्राई करते हैं जाने की। देख लो भाई दोनों बंदे आ रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू है, व्यू के पैसे इनका कोई चक्कर नहीं, भाई साहब आज हमारे को हम कहते हैं ना खुश नसीब है कि इन्होंने कैमरा अपने हाथ में लिया और हमारी रिकॉर्डिंग चालू की, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अंकोट पॉइंट के लिए आपको यहाँ से करनी पड़ेगी ट्रैकिंग, जिन भाई साहब के सांस फूलते हैं। Yes! नहीं, 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 मैं बिल्कुल परफेक्ट, कृपा करके वहाँ नीचे रह जाए, और यहाँ से देखिए लोग कभी इसने बोला था कि मेरी सांस नहीं फूलती कैमरे को देख के, फिर शुरू हो गया। चलो भाई अब कैमरा कंटिन्यू रखेंगे, जोश देखना है इसका कहाँ तक रुकेगा, चक दे फटे भाग के चढ़ के दिखाओ ऊपर तक। तो भाई एनर्जी बरकरार है दोनों लड़कों की, और यहाँ से हम सोच रहे हैं कि अपना व्यू कवर कर लें, वहाँ की बजाय यहाँ से ही हमें दूसरी साइड का व्यू दिख जाएगा, बट बादलों की वजह से कुछ नहीं दिख रहा आज, क्या दिख रहा सर पूरा का पूरा है ना, बात कर रहे हैं थोड़ा सा और ऊपर जाया जाए उस पॉइंट से जहाँ क्रेन खड़ी है। पहुँच गए हैं टॉप ऑफ द हिल मंदिर, यहाँ से मंदिर का एंट्रेंस है, बंद है ना अभी, अच्छा जूते बाहर निकाल लें। तो यहाँ से मंदिर का एंट्रेंस है भाई, पहले मंदिर का आपको व्यू दिखा देता हूँ मैं, बहुत ही गजब मस्त व्यू है आप देख सकते हो यहाँ पे, क्या बात है, जय हो। तो मंदिर का व्यू भाई यहाँ से श्रद्धा भाव के साथ आप अंदर जाके पूजा कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में थोड़ी पूजा करने के लिए, इतने ऊपर आए हैं तो भगवान के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे शूज निकालेंगे और श्रद्धा भाव के साथ अंदर जाएंगे और पूजा करेंगे। मंदिर के अंदर चलते हैं और पूजा करके आते हैं। वही यहाँ से महादेव का व्यू आ रहा है यहाँ पे, बढ़िया। एक थोड़ा मंदिर के बारे में बता सकते हैं कितना पुराना मंदिर है क्या? नहीं, तो भाई हम बाहर आ गए हैं पूजा करके, और यहाँ से अभी हम बेल बजाएंगे।
वही अपने पूजा कर ली है। अभी हम आपको व्यू दिखा देते हैं पूरा बैक साइड से भी मंदिर का। भगवान को श्रद्धा के साथ हमने दर्शन किए। यहाँ से आपको व्यू पॉइंट बनता है यहाँ। आज थोड़ा सा क्लाउडी है इसलिए आपको व्यू नहीं दिखेगा ज्यादा, और वो देखिए मिस्टर बंसल हैं, वो पहले से ही पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ से आप सनसेट का मजा ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से है सनसेट पॉइंट। आज क्लाउड की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है तो बढ़िया व्यू बनता है यहाँ से। यहाँ से देखिए भाई व्यू, वाओ। इन व्हिच स्ट्रीम यू आर डूइंग योर स्टडी? ग्रेड 11। ओके, so here what you are doing, but brother, this is not a right way, like you are asking help from the other peoples. You can do many things, brother. Happy now? So we don't want to like capture this moment. Done. Hey Somali, what are you doing here? Say hello. दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं वापस। हमने ऊपर का एक जो इनका मेजर व्यू पॉइंट है हमने वो ड्रॉप कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं नीचे। इसका नाम है सरानपुर व्यू पॉइंट। कितना हाइट पे ये? 1592। 1592 तो भाई हमारी पलटन चल पड़ी है नीचे की तरफ। हमने वो वाला व्यू पॉइंट छोड़ दिया, दिखाता हूँ आपको। ये वाला व्यू पॉइंट छोड़ दिया भाई ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, और इन बंदों की वजह से हमारा टाइम कंस्ट्रेंट हुआ, जो अभी भाग रहे हैं आगे क्योंकि हमारी केबल कार चली गई। तो यहाँ से हमें कोई प्राइवेट टैक्सी करके जाना पड़ेगा, और केबल कार का जो व्यू है हम मिस नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ के नजारे देख के तो ना ऐसा मन कर रहा है कि यहीं पे रुक जाए, बट हमारे पास टाइम नहीं है। हम अभी केबल कार हमें वहाँ से पिकअप करके ड्रॉप करेगी नीचे, तो हमें फटाफट निकलना है यहाँ से। हमें 10 मिनट का हमारा यहाँ से ट्रैकिंग का टाइम है, उसके बाद हमें केबल कार में हमें नीचे जाना है। तो आप देख सकते हो सांस फूली हुई है, और आसपास का व्यू देखेंगे ना इतना गजब का व्यू है ना भाई, मजा आ गया। सारी थकान दूर हो गई है यहाँ के, और मेरे पार्टनर स्टोर पे जो है मिस्टर बंसल एंड मिस्टर रिंकू आगे आगे जा रहे हैं। अभी फटाफट चलते हैं नीचे। ये लो भाई नजारे, रोड बड़ी सुंदर है ना, कितने प्यारे, पूरा मेंटेन किया हुआ है ना, ब्यूटीफुल प्लेस है। वाव, एक ही वर्ड आता है यहाँ देख के तो वाव। तो भाई पहुँच गए वापसी के लिए हम उसी लिफ्ट में, यहाँ से जाएंगे नीचे। यहाँ से हमें मिलेगी केबल कार हमारी। गाइस वी आर मूविंग डाउनस्टेयर्स, जय हो टेक द केबल कार, जय हो जय हो जय हो। तो भाई नेपाल में आके हम बुद्धा इसको अगर हमने नहीं देखा तो ये देखिए क्या ही ब्यूटीफुल सा नजारा, जय हो। सच्ची तो घूमते नहीं, घूमते नहीं। ओके वाव, एक्चुअली जाम हो गया मुझे लग रहा है हम। वाओ नाइस व्यू, पूरा इसी जितनी मोनेस्ट्री है ना सब में ये बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए, बहुत बड़े बड़े, कुछ लॉजिक होता है इसका। से हम केबल कार से हम फिर से नीचे जाएंगे जहाँ पे हमने अपना होटल लिया हुआ है। यहाँ से हमने काफी एक्सप्लोर कर लिया है, और सामने आप केबल कार देख सकते हो। यहाँ से हम केबल कार लेंगे और सीधा नीचे जाएंगे, यहाँ से ये एंट्रेंस है, यहाँ चलते हैं अभी सीधा केबल कार में। तो गाइस हम ऊपर से आ गए हैं बिल्कुल नीचे, और वही नजारा देख सकते हो। वेदर कंडीशन भी बड़ी मस्त है। अभी ये डाउन जा रही है यहाँ से केबल कार। वैसे इस भाई का घर है, इसके तो ऊपर से रोज निकलती होगी ना, उसके लिए नॉर्मल है, उसके जैसे नॉर्मल केस, उसके लिए नॉर्मल है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये देखो इनको दिखाओ कैसा लग रहा है आप लोगों को, नॉर्मल है? शाम का मौसम तो गजब है भाई यहाँ पे ना। ये तो कह रहे थे बंद हो जाएगी, अभी भी ऊपर आ रही है। तो एनवायरनमेंट तो होल्ड कराएंगे, एनवायरनमेंट देखो भाई क्या बात है, क्या ही बात है। क्या कहना चाहोगे सर इन सिंगल वर्ड, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? आत्मा की तृप्ति, आत्मा की तृप्ति भाई। हिंदी में किसी को आती हो तो समझ सकता है कि कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है। पैसा वसूल है, कौन सा पैसा वसूल है? इसका तो ज्यादा वसूल है यार, फुल पैसा। 800 नेपाली रुपए में घुमा ले, ऊपर 3 पॉइंट दिखा दिए उन्होंने, 3 एक्टिविटी करवा रहे हो। 800 नेपाली रुपीस में भी 550 रुपए के आसपास है। जबरदस्त 570 में आपको इतना अच्छा केबल कार के थ्रू व्यू, आगे 3 बदलते हैं, सोलर प्लेट लगा रखे सर इधर, बारिश का मौसम है, सोलर प्लेट। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, लेक व्यू देखो आप यहाँ केबल कार से। नेपाल पोखरा से आपका सरनकोट से भाई डाउन जाते हुए केबल कार के थ्रू ये लेक व्यू आपको दिखा रहे हैं हम। उम्मीद कर रहा हूँ आप इस लेक व्यू को एंजॉय करेंगे। देख भी लेना वीडियो, अन्नपूर्णा केबल कैंप सरनकोट पोखरा लगेगा आपको, कितना ऊपर हाइट गूगल कर सकते हो। तो भाई जो व्यू आ रहा है इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, गजब व्यू है। देखो क्या ग्रीनरी है, क्या इवनिंग का माहौल है, ऊपर पूरा क्लाउडी है, ऐसा लगता है बारिश में नहाया हुआ है, और नीचे देखिए लेक पूरा खतरनाक व्यू है भाई। इसके लिए एक लाइक बन कर दो भाई फटाफट, और जो नेपाल से देख रहे हैं भाई बन रहा ना नीचे लेक, जो भाई लोग नेपाल से देख रहे हैं आप लोगों का ये बेस्ट प्लेस है भाई घूमने के लिए। वी लव दिस प्लेस, आई लव नेपाल है, लिखा नहीं बोर्ड लगा नहीं भाई,
अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेपाल के जितने भाई भी हमें देख रहे हैं ना, और जब भी आप इंडिया आओगे तो हमें कमेंट जरूर डालना, हम भी आपको बताएंगे इंडिया में क्या क्या आप जगह हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से फिर डाउन जाएगा ना ये, वाओ यहाँ से फिर देखो सर, यहाँ से भी एकदम स्ट्रेट डाउन है, देखो ये तो जबरदस्त डाउन है, ये लगता गिरे बंदा, फट नहीं है ऐसा, देखो ये कम से कम 1700 फीट ऐसे कुछ कहता था। तो भाई पीछे का व्यू देख लो आप, खतरनाक है भाई, बिल्कुल खतरनाक व्यू है, मजा आ गया भाई देख के। हम अभी ऊपर से आ रहे हैं नीचे की तरफ भाई, और क्या ठंडी हवा चल रही है, क्या ही मौसम है। नीचे देखो भाई क्या बात है, क्या बात है, खतरनाक है। नीचे खाई फटती है देख के नीचे, तो किसकी फटती है ये पता नहीं। तो भाई हम पहुंच गए नीचे, और यहाँ पे देखिए इनका पार्किंग प्लेस बनाया हुआ है, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे एग्जिट करेंगे, और गेट खुल गए इसके आगे यहाँ पे, और अभी हम चाहेंगे बाहर। गाइस चलिए बाहर, ये सेंसर्स लगे हुए हैं इसके, और ये हमारी फैमिली कार यहाँ पे देखिए ये करते हैं यहाँ पार्क, ये वर्कशॉप टाइप में बना रही है, यहाँ से एग्जिट है। थैंक यू एंड विजिटिंग अगेन, थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो गाइस उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो क्लोज करने से पहले, हमारे भाई सब काफी एक्साइटेड थे। मिस्टर अमर जो बताना चाह रहे थे कि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ, प्लास्टिक जो भी आप वाटर बॉटल्स लेके जाते हो उन्होंने पूरा बढ़िया तरीके से मैनेज की हुई है, और यहाँ से एक बार फिर से आप व्यू देख सकते हैं। तो चलो भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो नेपाल से देख रहे हैं वो एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट कर देना आप नेपाल से कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपका कमेंट हमें मिल जाता है टाइम ले तो हम जरूर भैया विजिट करेंगे आपके प्लेस को, और भी अगर अच्छे प्लेसेस हैं घूमने के यहाँ पे तो आप बता सकते हो, गाइड कर सकते हो हमें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेपाल सीरीज उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए भाई टाटा बाय बाय।